अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं मोहम्मद जावेद, सच की आवाज, एनपीएस न्यूज। देखिए आज की ताजा खबर। मैं नहीं दिखना पड़ा क्या? मैं दिख रहे हो तो बोल रहा हूँ। खाजा अली बन दिखना, मैं नहीं दिखना पड़ा क्या? फिर तुम भी आ दो। वो इंजेक्शन को गलत दे दिए बोलते। पेशेंट का नाम सफिया देगा मैं, और उनको ये पूरा ट्रीटमेंट चला करा रहे थे वहाँ डिलीवरी का इनके यहाँ पर यही दवाखाने में ट्रीटमेंट। सो रिपोर्ट नॉर्मल बोल के दे रहे थे। रिसेंटली 8 तारीख को भी स्कैनिंग करो बोले थे, स्कैनिंग 8 तारीख को भी करें स्कैनिंग, इसमें भी नॉर्मल बोल के बताए उन्होंने। और फिलहाल 4 बजे पेन हुआ था तो लेके आए उनको यहाँ पर, एक ग्लूकोज और इंजेक्शन दिए, कौन सा दिए मालूम नहीं हम। ये बात थोड़ी देर के बाद चढ़ा दिए, बाद भिजा दिए उन्होंने घर को वापस। घर को गए तक वहाँ से ब्लीडिंग चालू होना चालू हो गई। वापस आए तक उन्होंने आके बोल दिए नहीं बच्चे की डेथ हो गई बोल के बोल दिया, बोल दे के चले गए। उन्होंने डॉक्टर का ये बोलना है कि डिलीवरी 7 मंथ में हो रही थी। नहीं नहीं नॉर्मल है बोले। आप रिपोर्ट देखिए यहाँ पर, ये रिपोर्ट स्कैनिंग कराई थी। डॉक्टर जो है पुलिस को बोले गए थे कि उनकी डिलीवरी का टाइम 7 मंथ में आ रहा था। नहीं 7 मंथ में आ रहा सर, ये आप लोग को बोले थे क्या? नहीं नहीं बोले, 7 मंथ में आ रहा, 8 मंथ में आ रहा, कुछ भी नहीं बोले हमारे को। ये बोले सब रिपोर्ट और उनकी फर्स्ट डिलीवरी भी जो है 7 मंथ में हुई बोल के बोल रहा। हाँ 7 मंथ में फर्स्ट डिलीवरी हुई थी उनकी, सेकेंड डिलीवरी को अभी लोग जो बता रहे ट्रीटमेंट शुरू से करा रहे हैं, शुरू से नॉर्मल है बोले, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है शुरू से बोले। आप लोग को टाइम दिए थे डिलीवरी के लिए? नहीं कुछ भी नहीं बोले थे, कुछ भी नहीं बोले थे, सिर्फ आप लेके आए थे पेन हो रहा था बोल के उनको, पेन हो रहा बोल के डिलीवरी का टाइम का कोई जिक्र नहीं हुआ। नहीं नहीं कुछ भी नहीं हुआ डिलीवरी का टाइम का, कुछ भी जिक्र नहीं हुआ। अब ये लेके आए बाद बताए बाद पूरा ट्रीटमेंट करे लोग, ये ट्रीटमेंट करिए करके आज क्या आई है ट्रीटमेंट करके भिजा दिया लोग वहाँ पर। फिर 10 से 15 मिनट में सिर्फ यहाँ से मिश्रीगंज गए तक ब्लीडिंग चालू होना चालू हुई, वापस हम लोग लेके आए हम पर, लेके आए तक उन्होंने बोल दिया बच्चे की डेथ हो गई बोल के, अंदर लेके जाके बोल दिया उन्होंने नहीं बच्चे की डेथ हो गई बोल के। फोन करे उनको रीजन क्या है अब ये बताओ बोलते बोले तो तुम ना फ्री में इलाज करने को तमाशा कर रही वो कर रही, फ्री में इलाज कराने का है तुम लोगों को, जो कंप्लेंट देना है तो दे लो जाओ बोल के बोल रहे हो। अब डॉक्टर कहने हम लोग काउंटर पे गए कौन से डॉक्टर से बात करना है बोल के बात बोले तो उन्होंने डॉक्टर का बोले उन्होंने सेकंड कैबिन में। अब उनके जाके हम लोग बात करे तो उन्होंने बोल रहे हैं सब डिटेल सुन लेंगे किसके हाथ पे ट्रीटमेंट हुआ उनको जाके बोलो, आप बोल रहे हो काउंटर पे बोल रहे हैं उन्होंने एम आर ओ है उनसे जाके आप बात करो डायरेक्ट बोल के काउंटर पे बोले। उन्होंने अवेलेबल नहीं है, अब उनको कॉल करे तो उन्होंने ये बात बोल दिए कंप्लेंट कराना है क्या कराना है करा लो बोल दिए। अब डॉक्टर बोल रहे हैं उनके घर में डेथ हो गई बोल के बोल रहे हैं, ट्रीटमेंट यहाँ कराया के बाद हो गए बाद चले गए उन्होंने ऐसा। अब डॉक्टर दूसरे डॉक्टर थे कंटिन्यू 6 मंथ से यही करा रहे हैं आप लोग? पूरा 6 मंथ से पूरे रिपोर्ट से उनके पूरे रिपोर्ट 6 मंथ से स्कैनिंग कराए, हॉस्पिटल चेंज तो नहीं करे कुछ भी, हॉस्पिटल चेंज नहीं हुआ, ये स्कैनिंग कराए थे, ये 8 तारीख को स्कैनिंग कराए थे, ये 5 तारीख 5वें महीने में कराए थे, ये 6वें महीने में स्कैनिंग कराए थे, पूरे स्कैनिंग पूरे रिपोर्ट। नाम क्या हॉस्पिटल का नाम क्या है? ये मेडिकल हॉस्पिटल कहाँ पर है? ये फतेह दरवाजा धुमकोली। अभी आप लोगों को डाउट क्या है? हम लोगों को रीजन मालूम करना है सर, ये रीजन हम लोग जब पूछे उनसे तो उन्होंने रीजन बताने को राजी नहीं है, उन्होंने कुछ गलत मेडिसिन दिए क्या दिए हमको वो मालूम करना है। क्या इन्फेक्शन है? कुछ भी नहीं बोले उन्होंने, क्रिटिकल है बोले भी नहीं बोले, अभी नहीं बोले अचानक ही थे, अचानक ही जो आई बोले तो वहाँ से क्या करते मानो, इनका 800 रुपए कमीशन है तो इनका 800 रुपए कमीशन है, फिर ये राइट अगर ये रिपोर्ट सही आई फिर क्या करते हमारे दूसरा डॉक्टर बोल के कई दवाखाने में ऐसे देखो गरीबों को लूटा जा रहा। सुन भाई आप यकीन नहीं मानेंगे, एक इंजेक्शन एक किलोमीटर के आते लोग मेहनत करके पैसे कहाँ से लेंगे ये बोलिए आप लोग। तो आपका ये कहना है कि ये गरीब फैमिली थी? ये गरीब फैमिली थी, अब मासूम बच्चा है 6 महीने का बच्चा है, ये मासूम 6 महीने का माँ के पेट में था बच्चा, माँ का पेट में था, डिलीवरी हुई बच्चे की, डिलीवरी ऑपरेशन से हुई, ऑपरेशन से हुई डिलीवरी जी, बच्ची है 6 महीने की डिलीवरी है, फिर बच्ची मरी कैसा बोलते, फिर डॉक्टर साहब ऊपर आके बोल रहे
बच्चा सुबह में बच्ची सुबह में ही मर गई बोले तो बताया जा रहा है कि ऑलरेडी उनको जो है ग्लूकोज इंजेक्शन सुबह में दे चुके थे फिर अब यहाँ पर डॉक्टर बोले सुबह में उनका अंजेखाल हो गया बोले तो दो तरफ के बात चल रही है यानी कि इंजेक्शन वगैरह जो ट्रीटमेंट दिए थे सुबह में उसके उसी टाइम पे बच्चे का अंजेखाल होगा पेट में होगा पेट का खाली ऐसा लगा ड्रामा चला ये ड्रामा चलने वाला नहीं है हर हॉस्पिटल अभी यार जो डॉक्टर ने जो ऑपरेशन करी वो आई हुई है यहाँ पर डॉक्टर ने भागे ने हल्लो ले ली बुखार खा पी लिया अपने रेडी हुई ने अब पब्लिक यहाँ पर गर्म है बोलते क्या करें यहाँ पर नहीं आ रही पुलिस कंप्लेन करी आ रही पुलिस अब क्या एक्शन लेती पुलिस देखेंगे भाई आप लोगों से गुजारिश करो हाथ जोड़ के भैया कौन से एरिया में हॉस्पिटल है ये वजीर अली मेडिकल हॉस्पिटल है ये तो यहाँ पर देखो मेरे भाई ये मैडम अगर गलती नहीं है मैडम तो यहाँ रहना था मैडम यहाँ चाहिए ना एक घंटे पर से इंतजार करे खाली दीवाना बना रही 10 मिनट 15 मिनट में आती बोली मैडम यार सिर्फ लोगा क्या है मालूम चंदे का कारोबार दाखने का खुल गया सिर्फ ये टेस्ट करा वो टेस्ट करा बोल के गरीब आवाम को खाली लूट रहे सुने भाई इसके ऊपर कोई बोलने वाला नहीं अगर कोई बोला तो लगा क्या करते मालूम ऊपर से प्रेशर डाला के आवाज बंद कर देते अब देखिए आप एक घंटे का करीब है मैडम आना ना फाल्ट में बोलते बेचारा बच्चा मर गया रो रहे बेचारे बहुत परेशान है बच्ची वो छोटी हाँ उनके घर वाले रोने से बैठे मैं आगे पूछ रहा हूँ कोई भी नहीं पूछ रहा मेरे भाई कि दाखने में सिर्फ बेवाओं का अड्डा बन गया लोगों का गरीब आदमी रहा उसको लूटना देखो वो बिल बन गया ये ग्लूकोज और ग्लूकोज अभी इतने मंगा रहे आधा चढ़ा रहे आधा कचरे में फेंक रहे सुने कचरे में फेंक रहे रिटर्न ले रहे हाँ रिटर्न ले रहे पीछे से बेच भी दे रहे लोग सुने आप अब 100 रुपए के इंजेक्शन में 20% डिस्काउंट कोई भी नहीं दे रहा खाली 10% दे रहा पहले 20% डिस्काउंट था और गोलियां भी कई किस्म के डुप्लीकेट गोलियां आ रहे भाई अपना डुप्लीकेट अगर गोलियां कहीं भी मिले उसके ऊपर अपना कंप्लेन भी कर सकते आजिम साहब आपसे एक सवाल ये है कि आज हैदराबाद के अंदर ये हॉस्पिटल और स्कूल का एक तिजारत बन चुकी है इसके बारे में आप क्या कहेंगे तिजारत क्या करी भाई अब उस्मानिया हॉस्पिटल को जाएंगे तो वहाँ पर इंसान नहीं चढ़ सकता कहीं को पूछो उस्मानिया हॉस्पिटल में अगर जाएंगे तो गंदी भूसे मर जाता और वहाँ का जो मजवा रहता आखिरी पब्लिक इंसान आधा वहीं मर जाता अब ऐसे हॉस्पिटल में कहाँ है बताइए आप जहाँ से शटल ही नहीं लेते भाई उस्मानिया में गए तो आपको 3 से 4 घंटे खाली टहलना पड़ता सुने अगर पैसे देंगे ना वहाँ पर हल्लो वहाँ पर जाके आपको ठहरे आगे घट से घट आपको ग्लूकोज भी मिल जाते गोलियां भी मिल जाते हर चीज मिल जाती आप हैदराबाद की भोली भाली आवाम को क्या मैसेज देंगे इस हॉस्पिटलों के तालुक से हैदराबाद की भोली कुछ भी नहीं है भाई मेहनत करने वाला जितना भी अगर बीमार है बोले तो किसके भी पैरा पड़ के लाके यहाँ पर इन लोगों के डॉक्टरों के दीवाना बन के पैसे अगर 12,000 बनना है तो पैरा आता पड़ के